सिंधु बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, जिसके चलते बॉर्डर पर हरियाणा से दिल्ली आने वाले लोगों को कई सारी दिक्कतों और मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग हरियाणा के रास्ते दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं, उन्हें फकरे रास्ते से निकलना पड़ रहा है। आलम यह हो गया है कि गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। सिंधु बॉर्डर पर लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला ने, चलिए आपको सुनाते हैं। किसान आंदोलन के चलते लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरी मौजूदगी इस समय सिंघु बॉर्डर पर है और सिंघु बॉर्डर पर तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। भारत एक्सप्रेस लगातार आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहा है। अब आप देखिए किस तरीके से ये मजदूर वर्ग है, ये डेली खाने कमाने वाले लोग है, किस तरीके से अपने सिर पर ये बोझ लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। ये सकरा सा रास्ता है, ये इतना सा रास्ता बस छोड़ा है कि लोग किसी तरीके से बमुश्किल यहाँ से हरियाणा से दिल्ली में दाखिल हो जाएं। अब आप देखिए ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं जो काफी मशक्कत के बाद यहाँ से निकल रही है। लोग चाहे उसपे फिर बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे फिर वो डेली के मजदूर हो, जो कोई भी पानीपत सोनीपत के रास्ते जो दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं, उनको इस सकरे से रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि घर में प्रेग्नेंट बीवी है, उसको अस्पताल लेके जाना है और भी सारे जरूरी कामों में लेकर जाना है, लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं। मेरे साथ एक सज्जन है, क्या नाम है सर आपका, क्या परेशानी है किसान आंदोलन के चलते? ललित नाम है जी। परेशानी इतनी ज्यादा है कि दिल्ली में आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। वाइफ है वो दिल्ली भारत सरकार में कर्मचारी है जी। पहले आधे घंटे में ऑफिस पहुंच जाते थे जी। प्रेग्नेंट है अब साढ़े तीन तीन चार चार घंटे लग जाते हैं, पहुंच नहीं पाते, परेशानी हो जाती है। यहाँ से आने जाने में एक विजिट ऑफिस की होती है तो एक विजिट डॉक्टर की भी करनी पड़ती है साथ में। तो सरकार को थोड़ी सख्ती से पेश आना चाहिए, इतनी सख्ती से आना चाहिए कि ये लटके दोस्त है, ये जो ये किसान है ना, किसान का बहाना ले रखे। आपको क्या लग रहा है कि जो आंदोलनकारी लोग हैं वो किसान हैं या फिर किसान के पीछे आपको लग रहा है कि किसी और का सपोर्ट है, कुछ और शख्स हैं जो इस आंदोलन को भड़का रहे हैं? सर किसान तो मैं भी हूँ ना, मैं भी जमीन उगाता हूँ, मैंने भी गेहूं की फसल उगाई है, मेरे पास इतना समय नहीं है ना मैं यहाँ बैठूं। वो तो किसान के नाम पे पॉलिटिकल स्टंट है, राजनीतिक लोग है और इनको लठ मारने चाहिए। बगैर लठ की भाषा समझ नहीं पाते हैं, केवल और केवल एक ही काम आता है इनको और एक ही भाषा समझ में आती है, लठ की भाषा। सर परेशानी हो रही है आपको दादा, कहाँ से आ रहे हैं? वो हमारे पंजाब से आ रहे हैं, पंजाब से। अच्छा भी एक बात बताइए, देखिए कितनी बेहतरीन तस्वीर है। आप मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए और मुझे बताइए कि पंजाब में अभी सूरत हाल क्या है, क्योंकि सिंघु बॉर्डर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पंजाब से लोग सही से आ पा रहे हैं? पंजाब से सही आ रहे हैं, पंजाब आपके काम पर सही आ रहे हैं पंजाब से लोग। तो बॉर्डर पे वहाँ पर क्या हालात है, पंजाब के अंदर की सिचुएशन क्या है? बॉर्डर में हम देखना देखे। पंजाब से फिर आप कैसे दिल्ली में दाखिल हुए? हमें दिल्ली से ट्रेन रही आए हैं, ट्रेन से आए हैं, ट्रेन से परेशानी हो रही है। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं, चाहे पंजाब के लोग हो, चाहे फिर वो हरियाणा के लोग हो, सोनीपत पानीपत करनाल जहां से भी लोग आ रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रहे हैं। और अब वो यही अपील कर रहे हैं कि अगर आंदोलनकारी किसान नहीं मानते हैं तो किसान को समझाने के लिए पहले सरकार कोई रास्ता अख्तियार करे, और फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो बलपूर्वक इन किसानों को हटाने की बात कर रहे हैं। सिंघु बॉर्डर से कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।